मान लीजिए गाइस आप पेट्रोल पंप पे गए और वहाँ पर आपको अपनी कार में पेट्रोल डालना है, लेकिन गलती से पेट्रोल पंप वाले ने आपकी कार के पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दिया। भले ही आपको ये छोटी गलती लगती है, लेकिन आपकी कार के लिए ये बहुत बड़ी गलती है। तो अब सवाल ये आता है कि ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन से बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए गाइस, पहले आपको बता दें कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब पेट्रोल इंजन में स्पार्क होता है और वही डीजल इंजन में स्पार्क होता ही नहीं है, और वही डीजल इंजन को स्टार्ट होने के लिए स्पार्क प्लग की नहीं बल्कि हाई कंप्रेशन रेशियो की जरूरत होती है, और पेट्रोल इंजन में इतना हाई कंप्रेशन रेशियो होता ही नहीं है। वैसे देखा अगर जाए तो कार स्टार्ट नहीं होगी। मान लीजिए अगर कार स्टार्ट हो भी जाएगी तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी। इसीलिए अगर आपको याद आ जाए तो सबसे पहले कार स्टार्ट ना करे और धक्का लगाकर कार को साइड कर ले, और उसके बाद किसी मैकेनिक को बुलाकर फ्यूल इंजन और टंकी की सफाई कराइए।